आज हम ये बारीक लेस बनाएंगे जो मैंने निडल और सुई धागे की मदद से बनाई है, निडल से। तो ये इसके लिए मैंने कॉटन का एंकर थ्रेड यूज़ किया है, आप सिल्क थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और ये स्लीव्स के बॉर्डर में या स्कार्फ में या नेक लाइन में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और बहुत ईजीली बन जाती है ये। आज हम निडल से लेस बनाना सीखेंगे। ये हमारा बेसिक वीडियो है जिसमें हम स्टार्टिंग से सिखाएंगे कि किस तरह से निडल से बेसिक लेस बनाते हैं। और अगर हम निडल यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई भी किस्म का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप बिगिनर हैं तो एंकर का कॉटन का ये थ्रेड से स्टार्ट करें। और ये क्रोशे के सिल्क थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट टेक्निक थ्रेड को किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी आज सिखाएंगे। तो पहले स्टार्ट करें, निडल में थ्रेड डाले, 6 स्ट्रैंड डाले हैं और एक तरफ नॉट टाई करें। ये फैब्रिक की एज है तो नीचे से इसे दूर से इसके ये पॉइंट पे निकालना है ऐसे, ताकि ये जो नॉट है उसे हाइड कर सके। तो इस तरह से निकाल दिए। अब हमें थोड़ी से गैप के बाद निडल को डालना है और हमेशा ऐसे करके थ्रेड को डालते हैं, पर इसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज रैप करना है वन टाइम इस तरह से। फिर ये जो गैप बना है इसमें निडल को पास करनी है। ये थ्रेड में से ये जो गैप है इसमें से पास करना है। ये निडल को पास करके हमें 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रैप करना है, 1 2 3। 3 टाइम रैप करके निडल को निकाल देना है ऐसे होल्ड करके। फिर से हमें यही गैप में डालना है निडल को, इसमें से डालकर जिस तरह से हम चेन स्टिच बनाते हैं उसके लिए ऐसे डालते हैं थ्रेड को, तो ऐसे डालें। फिर से पुल करना स्टार्ट करें इस तरह से। फिर इस साइड अपनी साइड में ले लेंगे और इसे फिर से ये जो टॉप का जो ये जो थ्रेड है जो इससे नॉट से ये अटैच है जो, इसको ऊपर रखेंगे और ऐसे पुल करेंगे। 8 का साइन बनेगा थ्रेड में और ये पुल होते जाएगी। तो ये फर्स्ट स्टिच हो गया। तो वैसे ही जितना ये छोटा स्टिच है इसलिए गैप कम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। ये फिर से देखें, ये फिर से निडल डाले फैब्रिक में, एंटी क्लॉकवाइज 1 टाइम रैप किए, होल्ड करें ऐसे और थ्रेड को निकाल दें इस तरह से। ये जो गैप बना है फिर से ये गैप में डालेंगे, सेकेंड टाइम है ये। फिर 3 टाइम्स रैप करेंगे, 1 एंटी क्लॉकवाइज, 2 3। 3 टाइम्स रैप करके इसे होल्ड करेंगे और निडल को निकाल देंगे ऐसे। फिर से डालेंगे थर्ड टाइम यही गैप में और इस तरह से डालेंगे चेन स्टिच बनाने की तरह और ये पुल करेंगे थ्रेड को। पुल करें इस तरह से है ये साइड। अब इस तरह पे इस साइड ले लेंगे हम इसे। तो ये जो टॉप पे एक थ्रेड आता है ये दिख रहा है और ये नीचे से नॉट है, तो इसको स्लोली ग्रेजुअली ऐसे पुल करेंगे तो 8 का साइन बनता है और ये प्रॉपरली अपनी जगह पे सेट हो जाती है। तो ये सेकेंड स्टिच हो गया। वैसे ही बनाते जाएंगे थर्ड, 1 टाइम रैप के पुल करेंगे। ये बेस बन गया, इसकी गैप में जाएंगे, थ्री टाइम रैप करेंगे, 1 2 3। ओके,
पिकॉट जैसा बन गया है। फिर से सेम गैप में डालेंगे इस तरह से और ऐसे डालेंगे इसके ऊपर ऐसे। फिर से पुल करें इसे अपने साइड ले गए थे। एट का साइन बनते बनते लॉक हो जाएगा ऐसे। इससे बहुत ही ब्यूटीफुल और बारीक डिजाइन की लेस बनती है। वन टाइम रैप किया, बेस बन गया इसका। गैप में इसके साथ पास करें निडल थ्री टाइम, वन टू थ्री टाइम्स। फिर ये निडल को बाहर निकाल दिए। टू स्टेप्स इजी है इसके ऐसे बनाना। थर्ड में हमें सिर्फ केयर करना है थोड़ी सी कि ये निडल को थर्ड टाइम इसमें पास कर रहे सेम गैप में, तो इस तरह से इसके ऊपर डालना है ऐसे और ये पुल करना स्टार्ट करना है थ्रेड को। और ये अपनी साइड ले लेना है ऐसे ताकि ये वाला जो पॉइंट है ये टॉप पे ऐसे रहेगा। और इसे पुल करेंगे एट की साइन बनते रहेगी और स्लोली स्लोली पुल करके इसे लॉक कर देंगे तो ये पिकॉट बन गया। चेन स्टिच बनाया ऐसे जिस तरह से फैब्रिक में बनाते हैं ऐसे करेंगे। जब ये क्लोज हो रहा है लूप तो इसको ऊपर ले गया जाएगा ऐसे और एट की साइन बनेगी ये टॉप पे थ्रेड और इसे ग्रेजुअली स्लोली पुल कर देंगे तो इस तरह से ये लूप बन जाएगा। तो ये विदाउट हमने पर्ल के बनाए थे। पर्ल के साथ अगर सेम डिज़ाइन बनानी है तो हमें पर्ल पास करनी है पहले इस तरह से। पर्ल पास करने के बाद सेम स्टिच ले रहे हैं हम ऐसे थ्रेड में से एक बार रैप किए। सेम गैप में से पर्ल के नीचे से ही थ्री टाइम, वन टू थ्री। इसे फिर अपनी तरफ ये लूप को लेके पुल करेंगे, टॉप को ऐसा होल्ड करें। पॉल पास करेंगे वन टाइम रैप। वन टू थ्री सेम स्टेप कर रहे, बस पहले पर्ल को पास कर रहे हमने उसके। ये थ्रेड के ऊपर से